हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश रंजन आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कापा के बारे में, CAPA, जिसका फुल फॉर्म होता है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। दोस्तों, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों को इनके डिफिनीशन के बारे में बताऊँगा और इनके बीच में अंतर क्या है उसको बताऊँगा, और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो इसका फॉर्मेट होता है उसमें किस तरीके से कापा को भरा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ये कापा है, कापा को अब लगभग बहुत ही कम कंपनियां फॉलो करती है, लेकिन इसके बनाते हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन आजकल जो कापा के जैसा ही एक 8D आ गया है, 8D जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हो गया है आजकल, उसको मैक्सिमम कंपनी आजकल फॉलो कर रही है। 8D के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। 8D को थोड़ा विस्तार से बनाया गया है जिसमें आपको 8 स्टेप मिलेंगे। दोस्तों, कापा का फुल फॉर्म होता है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ये क्वालिटी प्रोसीजर का एक सिस्टम है जिसमें एग्जिस्टिंग नॉन कन्फर्मेटिव के कॉज को इलिमिनेट किया जाता है और उस नॉन कन्फर्मेटिव प्रोडक्ट, प्रोसेस और अदर क्वालिटी प्रॉब्लम के रीअकरेंस को रोका जाता है। कापा हैजार्ड एनालिसिस का भी कंसेप्ट है। कापा एक प्रोसेस है जो प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट और सॉल्व करता है, उसके रूट कॉज को फाइंड करता है और उसके रीअकरेंस को रोकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं करेक्टिव, फिर उसके बाद बात करेंगे प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में। करेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर नेसेसरी एक्शन लेता है। करेक्टिव एक्शन का यूज प्रोसेस में प्रॉब्लम के आने के बाद किया जाता है। यह रीएक्टिव एक्टिविटी है। करेक्टिव एक्शन किसी प्रॉब्लम के रूट कॉज को एलिमिनेट करता है और उसके रीअकरेंस को रोकता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन का एम है किसी भी प्रॉब्लम के ऑक्यूरेंस को रोकना प्रोएक्टिव इम्प्रूवमेंट के द्वारा। प्रिवेंटिव एक्शन ऑक्यूरेंस को रोकता है। यह प्रोएक्टिव अप्रोच है जो प्रॉब्लम आने से पहले किया जाता है, प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन करता है। प्रिवेंटिव एक्शन किसी भी डिफेक्ट के पोटेंशियल कॉज को इलिमिनेट करता है। प्रिवेंटिव एक्शन प्रॉब्लम का प्रिडिक्शन भी करता है, पोटेंशियल कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिट, एनालिसिस, रिव्यू ऑफ कस्टमर फीडबैक और एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रिवेंटिव एक्शन एक सेट ऑफ एक्शन है जिसमें पोटेंशियल कॉज को आइडेंटिफाई किया जाता है और जो ऑपरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं उनको कम करने के लिए प्लान बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन के डिफिनीशन। अभी मैं आप लोगों को कापा का फॉर्मेट बताता हूँ, कैसे इसको फिल करते हैं। कापा के वैसे तो अलग अलग बहुत सारे फॉर्मेट भी हैं, हर कंपनी अपना अलग अलग फॉर्मेट बनाती है या फॉलो करती है किसी को। तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट, उसी में से एक फॉर्मेट आप लोगों को समझाऊँगा किस तरीके से भरते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कापा का फॉर्मेट है, मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ। इसमें क्या है कि आपका फॉर्मेट नंबर, पहले फॉर्मेट नंबर आएगा, फिर उसका रेफरेंस नंबर, फिर डेट, फिर जो प्रॉब्लम है आप उसको लिखना पड़ेगा नॉन कन्फर्मेटिव में, फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी, कौन सा पार्ट है, कौन से सप्लायर है, नंबर क्या है, इमेज के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा, ये डिटेल्स है। उसके बाद टीम लीडर होता है, टीम मेंबर किस किस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसके बाद आता है कंटेनमेंट एक्शन, आपका कंटेनमेंट एक्शन क्या है, जो आपने इमीडिएट एक्शन लिया। उसके बाद रूट कॉज एनालाइज आता है, आप की जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या निकल के आया। उसके बाद जो रूट कॉज आ जाता है उसके बाद उसका करेक्टिव एक्शन किया जाता है, करेक्टिव एक्शन लिया जाता है उसके ऊपर। उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन को लिया जाता है। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं उसको चेंज किया जाता है, कौन कौन से हैं। तो चलिए, ये था इसका फॉर्मेट। अब मैं आपको इसको जो प्रॉब्लम है उसको इस फॉर्मेट में कैसे भरा गया है वो समझा देता हूँ आपको। तो इसमें क्या है कि जो
इस डेट को आई थी ये प्रॉब्लम। उसके बाद जो इसकी प्रॉब्लम है वो कह रहा है कि ब्रेकेज एंड लूज फिटमेंट ऑफ पीबीसी कवर इन लीवर, तो ये दिक्कत आई थी। ये जो पार्ट है इसका जो पीवीसी कवर है, ये जो इसमें दो तरीके के पार्ट हैं, ये तो है एक मेटल का पार्ट है, इसके ऊपर पीवीसी का एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है, वो लूज आया था, ब्रेकेज मतलब फट गया था और लूज की दिक्कत आई थी। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, इनके जो टीम मेंबर थे, ये रमेश सिंह जो लीडर थे, उसके बाद टीम मेंबर अमित और श्याम, ये दो लड़के थे जो कि इन टीम मेंबर थे, इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसके बाद इन्होंने कंटेनमेंट एक्शन क्या लिया, कंटेनमेंट एक्शन ने इन्होंने सेग्रीगेशन करवाया है, वेयर हाउस में 230 पीसों का कोई डिफेक्ट नहीं मिला, कस्टमर एंड पे 120 पीस, दो पीस उसमें से दिक्कत प्रॉब्लम मिला, तो ये कंटेनमेंट एक्शन होता है। उसके बाद रूट कॉज एनालाइज किया है इन्होंने, रूट कॉज एनालाइज किया, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू भी कर सकते हैं या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। इनको मिला हार्डनेस ऑफ द पीवीसी नॉट ओके एंड हीट एजिंग नॉट डन प्रॉपरली, मतलब जो हार्डनेस है पीवीसी का वो सही नहीं है, वो उस पार्ट के ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ा नहीं, और जो दूसरी है हीट एजिंग नॉट डन प्रॉपरली। हीट एजिंग मतलब एजिंग एक ऑपरेशन है, जैसे कोई भी आप पार्ट बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक पार्ट में ये ज़्यादातर देखा जाता है कि आप प्रोडक्ट बनने के बाद उसको कूलिंग किया जाता है, कुछ समय के लिए कूलिंग किया जाता है। आज देखा होगा आपने जैसे प्लास्टिक पार्ट मोल्ड से बनते हैं तो उनको पानी में डाल दिया जाता है सीधे। उसके बाद जो इस पार्ट में हुआ है, उन्होंने एजिंग प्रोसेस किया है, पार्ट को 2 घंटे 4 घंटे इस तरीके से रखा जाता है, कोई सफिशियंट टेम्परेचर पे, उस हिसाब से इनका रूट कॉज निकला है। उसके बाद इन्होंने करेक्टिव एक्शन क्या लिया है, करेक्टिव एक्शन मैंने इन्होंने लिया है कि ट्रेनिंग गिवन टू ऑपरेटर फॉर चेकिंग द ब्रेकेज एंड लूजनेस, जो ऑपरेटर चेक करता है उसको ट्रेनिंग दे दिया गया कि ये सारी चीज़ें चेक करनी है उसको, ये टारगेट डेट है, ये कंप्लीशन डेट है। उसके बाद दूसरा है 100% पार्ट इंस्पेक्शन होगा फाइनल स्टेज पे, और डॉट की मार्किंग करेगा वो इंस्पेक्शन करने के बाद, ताकि पता चले कि ये पार्ट उसने चेक किया है। उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन में क्या लिया इन्होंने, प्रिवेंटिव एक्शन में लिया है कि सम पैरामीटर चेंज इन मशीन एंड वैलिडेट, जो इसकी हार्डनेस को बनाने के लिए अच्छे तरीके से ग्रिप हो, उसके लिए इन्होंने मशीन के जो पैरामीटर हैं उसमें कुछ चेंज किया है और उसको वैलिडेट किया है, उन्होंने इस डेट तक किया है और उस दिन तक वैलिडेट किया है। दूसरा जो लिया है इन्होंने परमानेंट प्रिवेंटिव एक्शन में, हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट कर दिया। हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि उसके जैसा या उससे थोड़ा हटके, जिसमें ये प्रोसेस हो रही है, उन सारे पीसों में ये जो आपने एक्शन लिया है उन सबको इम्प्लीमेंट कर दें उनमें, ये होता है हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट, तो ये इन्होंने किया है। उसके बाद ये आता है डॉक्यूमेंट चेंज, डॉक्यूमेंट चेंज में आपका जो पैरामीटर चेंज हुआ है तो ये कंट्रोल प्लान में भी चेंज होगा, तो इसको इन्होंने चेंज कर दिया है। तो और इसको रमेश सिंह जो टीम लीडर थे उन्होंने वैलिडेट किया है। तो दोस्तों ये है कापा का फॉर्मेट, और इसमें इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, इसको इस तरीके से फॉर्मेट को भरा जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैंने आप लोगों को कापा के बारे में समझाया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करें। धन्यवाद।